हेलो वियर्स, नसों की कमजोरी, दर्द, खिंचाव, पिंडलियों में दर्द का रामबाण इलाज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। नसों में ऐंठन होने के क्या कारण हैं और क्या है इलाज। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपका नर्व सिस्टम कमजोर पड़ चुका है, आपकी नसों में ब्लॉकेज आ रही है, आपकी नसों में ऐंठन आ रही है, आपकी नसों में खिंचाव हो रहा है, आपको नसों में दर्द हो रहा है जिसके कारण आपके मसल पेन हो रहा है, आपकी पिंडलियों में दर्द रहता है, आपकी टांगों में दर्द रहता है और आपको इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा है कि आप क्या करें, आपको मैं एक चीज़ बताने जा रही हूँ कि जब हम गलत खाना खाते हैं तो जब वह पचता है तो उस पचे हुए खाने में से अमल बनता है। अगर हम सही खाना खाते हैं तो उसमें से पोषक तत्व मिलते हैं, तो हमारी बॉडी के सभी सेल्स को एनर्जी देने का काम करते हैं। हमारे शरीर को भगवान ने बनाया है फल और सब्जियां खाने के लिए। अगर हम उसमें ऑयली फूड, जंक फूड, इन चीज़ों को ऐड कर देंगे तो हमारी बॉडी कब तक चलेगी, वह कब तक तंदुरुस्त रह पाएगी। उसी हिसाब से अगर हम गलत खाना खाते हैं तो उस पचे हुए खाने में से अमल बनता है। एक दिन में ऐसा नहीं होता, एक दिन अगर हम गलत खाना खाते हैं, एक दिन में अगर हमारे शरीर में अमल ज़्यादा बनता है तो उससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर हमारा शेड्यूल रोजाना का ऐसा ही है कि हम गलत फास्ट फूड, ऑयली फूड खा रहे हैं तो यह प्रॉब्लम आती है कि दोस्तों वह अमल जो है वह हमारे खून में घुलने लगता है। तो यह अमल आखिर बैठेगा कहाँ पर? जहाँ पर उसे दीवार मिलेगी वहाँ पर वह चिपक जाएगा और बनेगा, वहाँ पर चिपक जाएगा। यह हमारी धमनियों में चिपक जाता है, हमारी आर्टरीज में चिपक जाता है जो कि बुरे कोलेस्ट्रॉल का रूप धारण कर लेता है और हमारी नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है, हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसका हल क्या किया जाए, यानी नसों की ब्लॉकेज को कैसे दूर किया जाए। सबसे पहले तो आपको अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है, जो नाड़ियों को साफ करने का, धमनियों को साफ करने का काम करता है। तो आप अनुलोम विलोम करिए। इसके अलावा आपने अपने खून को गाढ़ा नहीं होने देना, खून को साफ करना है। आपने ऑयली फूड, जंक फूड तो छोड़ ही देना है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे नेचुरल तरीका बताने जा रही हूँ जिसके द्वारा हम अपनी नसों की ब्लॉकेज को, ऐंठन को दूर कर सकते हैं, पिंडलियों में होने वाले दर्द, नसों में होने वाला दर्द या उनकी कमजोरी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, अनार के जूस के अंदर फैटोकेमिकल होते हैं जो धमनियों में ब्लॉकेज आ जाती है, तो यह फैटोकेमिकल उन्हें कमजोर करके बाहर निकालने का काम करते हैं, बुरे कोलेस्ट्रॉल को बाहर करने का काम करते हैं। तो आप रोजाना 1 से 1.5 गिलास अनार का जूस जरूर पिए। अगर आप सीधा अनार खाते हैं तो उसके बीज आप अंदर निगले नहीं। दूसरी चीज, लहसुन। लहसुन के अंदर एलिसिन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। एलिसिन का काम ही है कि हमारे खून को पतला करना और रक्त वाहिनियों को चौड़ा करना जिससे धमनियां साफ हो सकें। तीसरी चीज है अलसी। दोस्तों, अलसी के अंदर एक एसिड होता है जो बंद धमनियों को खोलने का काम करता है। अलसी का सेवन आपने कैसे करना है, कभी भी अलसी को सीधा चबाकर नहीं खाएं। आप हमेशा ही अलसी को रोस्ट करके लीजिए, उसके बाद पाउडर बनाकर रख लीजिए। 1 हफ्ते से ज़्यादा आपने इसे स्टोर करके नहीं रखना है। 1 चम्मच रोजाना आपने दूध के अंदर डालकर या उबाल कर इसे रात के समय लेना है। ऐसा करने से आपके अंदर जो एसिड बढ़ा हुआ है जो बंद धमनियों को खोलने का काम करेगा। दोस्तों, हल्दी। हल्दी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में करक्यूमन होता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह हमारे खून को जमने नहीं देते, हमारे खून को गाढ़ा होने नहीं देते। दोस्तों, हल्दी का इस्तेमाल वैसे तो हम सब्जियों में करते हैं। दोस्तों, हमेशा कच्ची हल्दी का ही फायदा होता है। आप 1 गिलास गर्म दूध ले लीजिए, 1/4 चम्मच हल्दी इसके अंदर मिक्स करके पी लीजिए। दूध को उबालिएगा नहीं। अगर आप दूध नहीं पीना चाहते हैं तो ऐसे ही गर्म पानी में लीजिए और उसके अंदर हल्दी मिक्स करके पी लीजिए। इस तरीके से पियेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं कि अदरक। अदरक की दोस्तों चाय में अगर आप अदरक, तुलसी, काली मिर्च डालकर पीते हैं तो उससे आपको कोई फायदा नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके अंदर जो चाय पत्ती है
वह इन सभी औषधीय गुणों को खत्म कर देती है। औषधीय गुण सभी के नष्ट हो जाते हैं। तो आपने अदरक का सेवन कैसे करना है? आपने एक गिलास गर्म पानी ले लेना है, उसके अंदर एक चम्मच अदरक का रस मिक्स कर लेना है और इसे पी लेना है। यह नसों की ब्लॉकेज को दूर करने का एक औषधीय तरीका है। नसों में ब्लॉकेज आने के कारण पिंडलियों में दर्द होता है, धीरे धीरे साइटिका का भी दर्द होने लगता है, पूरी टांग में दर्द होने लगता है। तो दोस्तों, जिन चीज़ों का सेवन करना मैंने आपको बताया है, इनका प्रयोग करने से साइटिका दर्द को दूर करने में भी हेल्प मिलती है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है नसों की कमजोरी, दर्द, खिंचाव, पिंडलियों में दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, जहाँ भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक मिलते हैं। अगर ऐसे हेल्थ वीडियो, ब्यूटी टिप्स के साथ स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। बाय बाय।